वो भी 6 बजे का टाइम हुआ है। अभी हम हैं नगरासू में, तो जल्दी से चलते हैं, देखते आज कितने किलोमीटर कर पाते हैं। कल 97 किलोमीटर हो पाया, 100 किलोमीटर मान लो। ये सामने गुरुद्वारा है, और यहाँ पे पीछे में रुका हुआ था ये होटल है। वो सामने आगे ट्रक जो वाला जा रहा है, मैंने मतलब मैं चल रहा था, जिस दिन से मैंने पीछे देखा क्योंकि मेरे सिर के ऊपर था, फिर मैंने साइड में लगाई और मैंने कहा भाई रोक के, मगर कम से कम होने तो दे लेता। वो सोचा लिफ्ट ले रहा है, बोला चलो बैठो, मगर नहीं भाई लिफ्ट नहीं चाहिए मुझे, हॉर्न बजा देते, मैं ये बोल रहा हूँ। बोला अच्छा, बोला कहाँ से हो, मगा हरियाणा बाजू उठते, बोला बैठो लिफ्ट चाहिए तो दिल्ली उतार देंगे सीधे, क्यों परेशान हो रखे हो। फिर मगा नहीं भाई, तो लिफ्ट दे रहे थे डायरेक्ट दिल्ली तक की, शाम तक पहुँचा देते, और आज शाम तक मुझे ऋषिकेश भी नहीं पहुँचा जाएगा। वैसे 15 किलोमीटर चल के नगरासू से रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं। सामने रुद्रप्रयाग शहर आ गया है, यहाँ पे अभी ब्रेकफास्ट में पराठा वराठा खाएंगे, क्योंकि पैरों में हिम्मत बिल्कुल नहीं बची है, पैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे मेरे भाई। तो कुछ खाना खाते हैं, एक पराठा लेते हैं, दही लेते हैं, कुछ दूध वूध पीते हैं, फिर अपनी आगे की जर्नी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाएंगे। रुद्रप्रयाग पहुँच चुके हैं, अभी यहाँ पर ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आगे के लिए निकलेंगे श्रीनगर होते हुए। तो ब्रेकफास्ट में एक पराठा ले रहे हैं और साथ में दही ले रहे हैं, अंकल खिलाएंगे पराठा। लो जी, 2 पराठे खा लिए, साथ में दही खा ली, बहुत बढ़िया लगा। अभी हम हैं रुद्रप्रयाग में, यहाँ से निकल रहे हैं आगे के लिए श्रीनगर। यहाँ से 30 किलोमीटर जिसमें अगर गाड़ी में जाएँ तो 1.5 घंटा लगता, तो अपनी साइकिल पर 3 घंटे का आसपास लग जाएगा। 8 से 8 का टाइम हो चुका है, तो उम्मीद करेंगे 10-11 बजे तक पहुँच जाएंगे। जाम लगा हुआ वहाँ पीछे, पुल के उस तरफ, फिर वहाँ पे देखो कितना लंबा जाम है, और सेम ऐसे ही आ गया है, जाम लगा हुआ है। पहले कोई लैंडस्लाइड हो रखी होगी तो उसके कारण ना एक बार छोड़ दे, एक बार इस लाइन को, एक बार छोड़ा, तो हमारी तो साइकिल चलो आगे चलते 10 किलोमीटर और यहाँ से फिर उसमें चढ़ाई भी मिलेगी, रोड भी मिलेगी। और टाइम की बात करें तो 12 बज चुके हैं, तो उम्मीद है 1 बजे तक पहुँच जाएंगे। बहुत लंबी लाइन लग रही है भाई, बहुत लंबी। देखो आप थोड़ी सी झलक दिखा देता हूँ आप लोगों को, जल्दी से हम श्रीनगर पहुँचते हैं। साइकिल में थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, एक बार चेक करवा लेंगे। भैया कह रहे थे एक रस्ते में मिले थे, वो कह रहे थे वहाँ पे मिल जाएगी आपको शॉप, तो वहाँ पे साइकिल को दिखाते हैं और फिर आगे निकलते हैं। A few moments later. हैदर इलेक्ट्रॉनिकल्स भाई साहब, पीछे से मैं जो बता रहा था ना कि आवाज़ आ रही है, आवाज़ आ रही है, जो इसके ब्रेक लेदर होते हैं वे बिल्कुल घिस गए थे, काम नहीं कर रहे थे। और अगर 50-60 किलोमीटर चला लेता क्योंकि ब्रेक ज़्यादा यूज़ करने पड़ रहे थे, तो बिल्कुल इसको जो डिस्क प्लेट है इसको भी ख़राब करते थे। तो अभी वो चेंज करवाए, 600 रुपये में चेंज हुए हैं। अब यहाँ से निकल रहे हैं, यहाँ से 35 किलोमीटर के पास है अपना देवप्रयाग, उसमें आपको थोड़ी बहुत चढ़ाई मिलेगी, बाकी नहीं मिलेगी। उसके बाद आपको 15 किलोमीटर की बढ़िया चढ़ाई मिलेगी देवप्रयाग से आगे, फिर ऋषिकेश रह जाएगा, थोड़ा ही रह जाएगा, 100 से कम किलोमीटर है। तो जल्दी से चलते हैं, 2 बजे का टाइम हुआ, तो 4 बजे तक उम्मीद करते हैं हम देवप्रयाग, तो मिलते हैं आपको डायरेक्ट रोड पर। ये पूरी मार्केट है भाई, श्रीनगर से साइकिल ठीक करवा के थोड़ी दूरी चले थे, अपनी सर्विस और मांग गई भाई, भूख लग गई, तो यहाँ पे एक पेटीज खा ली चीज़ की 20 रुपये की, और एक रियल जूस ले लिया मिक्स वाला, काम आएगा। देवप्रयाग यहाँ से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर है। राम राम जी, 4:30 बजे का टाइम हुआ है और अभी देवप्रयाग से 10 किलोमीटर पहले हैं, लगभग 66 किलोमीटर चला ली है, और अभी ये चढ़ाई ज़्यादा तो नहीं है लेकिन नॉर्मल है, ये लगभग 0.5 किलोमीटर तक और है, उसके बाद बिल्कुल ढलान है, और उसके बाद 15 किलोमीटर चढ़ाई है, और फिर बिल्कुल ऋषिकेश तक डाउन है, जो यहाँ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ पर अभी हमें कुछ भाई मिले हैं, एक बार आपको लोगों को मिलवाते हैं उन भाइयों से। हेलो भाई। हेलो भाई, से मिलकर बहुत अच्छा लगा। कहाँ से हो भाई आप? भाई हम मुरादाबाद। मुरादाबाद से? देहरादून। मुरादाबाद, यूपी। मुरादाबाद से? एक आप
दोस्त हो आप सारे? सारे फ्रेंड। कहाँ पे घूमने गए थे अभी? हम लोग केदारनाथ गए थे अभी, आपको देखा तो हमने सोचा लो आपसे थोड़ी। केदारनाथ 1 लाख का केदारनाथ है। ट्रैकिंग पैदल की थी? सारी ट्रैक, मतलब इस साइड से तो घोड़े लोग घोड़े से गए थे हम लोग, उस साइड से पूरा पैदल कर गए। भीड़ कैसी है वहाँ पे? ज्यादा नहीं थी अभी फिलहाल तो, है मतलब ठीक ठाक भीड़ है, ज्यादा नहीं थी। कुछ चेक कर रहे हैं जैसे आरटीपीसीआर या कुछ? ई पास चेक कर रहे हैं, जो लोग बाहर मतलब अदर स्टेट से आ रहे हैं उन लोग से ई पास चेक कर रहे हैं। बाकी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट वगैरह, और वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जिसके बाद में उसकी आरटीपीसीआर डबल डोज है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू भैया, तो भी चलते हैं और मिलते हैं आपको दोबारा रोड पे। राम राम जी, चौथे दिन की राइड शुरू हो चुकी है। सुबह 6 बजे का टाइम हुआ है और लगभग मैं 3 किलोमीटर आ चुका हूँ। 5:30 बजे मैंने राइड स्टार्ट कर दी थी, थोड़ी दूरी चल पाया, उसके बाद चढ़ाई थोड़ी कठिन है तो साइकिल नहीं चला पा रहा हूँ, पैदल लेके जानी पड़ रही है। ये चढ़ाई 13 से 14 किलोमीटर दूर की है। इसी के जाने से पहले सबसे ख़तरनाक चढ़ाई यही है, और भी है लेकिन और इतनी है, ऊपर नीचे ऐसे, लेकिन ये बिल्कुल खड़ी है और ये 13 से 14 किलोमीटर है। तो एक बार व्यू देखो फिर चलते हैं, क्योंकि इसमें 1.5 से 2 घंटा लग जाने वाला अपना। अभी भी 9 किलोमीटर और बाकी 8-9 किलोमीटर, तो एक पराठा खाते हैं फिर आगे के लिए चलते हैं। पराठा पराठा छोले और दही और अचार, तो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं। 13 किलोमीटर आ चुके हैं। जो चढ़ाई थी मोस्टली यहाँ से नीचे, वो सारी चढ़ाई हमने कवर कर लिया। अब यहाँ से ढलान है लगभग 10-12 किलोमीटर का, फिर कभी ढलान कभी चढ़ान कभी ढलान ये है। और अभी 9 बजे का टाइम हुआ, तो देखते हैं ऋषिकेश 11 से 12 बजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। यहाँ से लगभग 50 किलोमीटर रहता तो 15 किलोमीटर भी कवर करेंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे शायद, क्योंकि जो अगले 15 किलोमीटर वो शायद 10 मिनट में ही कवर हो जाए। तो देखते हैं, चले मिलते हैं आपको डायरेक्ट रोड पर। लो जी, 2 पराठे स्टार्टिंग में खाए थे जहाँ से हमने राइड स्टार्ट की थी, मुश्किल से 3 किलोमीटर चलने के बाद, और अभी 25 किलोमीटर चले हैं, 2 पराठे अब खा लिए। अब यहाँ से ऋषिकेश 32 किलोमीटर रहता है, जिसमें लगभग हमें 1.5 से 2 घंटा लगने वाला है। तो जल्दी से मिलते हैं आपको रोड पर, जल्दी पहुँचते हैं ऋषिकेश। अभी भी ऋषिकेश से 30 किलोमीटर दूर है, लेकिन अभी चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो बैठा नहीं जा रहा सीट पर, एक दिन उनका रेस्ट करना पड़ेगा तब थोड़ी सी हालत ठीक होगी, बाकी इतनी कुछ ज़्यादा इशू नहीं आ रही। एक तो बैठने में दिक्कत हो रही है, दूसरा ना सुबह 2 पराठे खा लिए, उसके बाद फिर 2 पराठे खा लिए तो खाना ज़्यादा खा लिया, उसमें दिक्कत आ रही है, बाकी चलना तो पड़ेगा। ये अपनी पीछे साइकिल है, यहाँ थोड़ी देर बैठे हैं। ये पीछे गंगा मैया है, देख सकते हो आप। शिवपुरी पहुँच चुके हैं, शिवपुरी क्रॉस कर लिया एक्चुअली। अभी मेरी बहन आ रही पीछे से, वो राफ्टिंग करने के लिए कह रही, तो कह रही है यहीं पर रुक जाओ, यहाँ से हम राफ्टिंग करके चले जाएंगे, साइकिल को उसमें लगा देंगे। तो एक बार लोकेशन मंगवा रखी है, अगर ज़्यादा लोकेशन नहीं होगी मतलब तब पवन भी होगी ऊपर होगी तो शायद चले ही जाएंगे, क्योंकि 10-15 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, और अगर और ज़्यादा होगी तो फिर देखते हैं। तो एक बार लोकेशन मंगवा लेते फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तो मिलते हैं आपको, राफ्टिंग करवाएंगे आज।